हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल आर्या वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स कि घर पर हम बाजार जैसा दानेदार घी कैसे बना सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि एक ही मलाई से हम कैसे घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे और साथ ही में पनीर भी बनाएंगे। और आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि घर की बनी हुई चीज़ शुद्ध होती है 100%। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, घी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मलाई, और ये वही मलाई है जो डेली हम दूध लेते हैं, और दूध से जो मलाई निकलती है वही कलेक्ट करके मैंने ये 7 से 8 दिन की मलाई है जिसे मैंने इकट्ठा किया हुआ है, और इस मलाई को मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ। फ्रेंड, फ्रीजर में स्टोर करने से मलाई हमारी ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा टाइम तक ठीक बनी रहती है, यानी अच्छी रहती है। अब फ्रेंड्स, इसे मैंने फ्रीजर से 1-2 घंटे पहले निकाल लिया था जिससे हमारी मलाई नॉर्मल हो चुकी है। अब मैं इसे बड़े बर्तन में डाल लूँगी जिससे हमें फैटना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मलाई को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें मलाई को कैसे फेंटना है। हमें मलाई फेंटने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें एक छोटी सी चमची की आवश्यकता है, और इस चमची से मैं आपको बताऊंगी कि हम मलाई कैसे फेंटेंगे। हमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें हैंड विस्कर की ज़रूरत है। हम आसानी से इस चम्मच से आराम से मलाई को फेंट लेंगे और 2-3 मिनट के अंदर हमारा बटर बाहर निकल के आ जाएगा। तो अब हम फेंटना चालू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फेंटना है आपको, और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी हमारा मक्खन निकल के बाहर आ जाएगा। हमारा मक्खन बहुत ही आसानी से बच जाएगा, सिर्फ 2 या 3 ही मिनट लगेंगे हमें और हमारा मक्खन बन जाएगा। इस तरीके से आपको घुमाना है चमची को, देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इस तरीके से। अब हम इसे इसमें हमें फ्रिज का ठंडा पानी डालना है, करीब 1 गिलास के करीब हमें पानी डालना है, और एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमको, और फिर इसे चलाना है इस तरीके से। अब थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, फिर चलाएंगे इस तरीके से। 1 गिलास पानी पूरा हमने डाल दिया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा मक्खन बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मक्खन बन गया है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये सारा मक्खन इकट्ठा हो गया है। ये देखिए हमारा मक्खन बन गया है। तो मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं, अब मैं हाथों की मदद से मक्खन को निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, कितना सारा हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया है। अब मैं इस मक्खन को दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। इस तरीके से सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। जितना भी इसके अंदर मक्खन है सब हम निकाल लेंगे। ये मैंने गैस चालू कर दी है, और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। आप जिस भी बर्तन में बनाओगे वो बर्तन गैस पे रख देना, और फिर उसके बाद ये मक्खन हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और गैस को थोड़ा तेज कर देंगे जिससे मक्खन जल्दी पिघल जाए। ये देखिए, और ये जो पानी था जिससे हमने मक्खन बनाया, जो दूध है, इसको भी मैंने गैस पर रख दिया गर्म करने के लिए। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे, और इसी दूध को फाड़ कर मैं बनाऊंगी पनीर। ये देखिए, मक्खन हमारा काफ़ी पिघल गया है, अभी थोड़ा सा रह गया इसमें। जैसे ये पूरी तरह पिघल जाएगा तो हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, सिंपल कर देंगे, और फिर धीमे धीमे आंच पे इसको पकने देंगे, घी बनने देंगे। अब मक्खन हमारा पूरा पिघल गया है, अब हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सिंपल कर दिया है, और अब ये धीरे धीरे घी बनेगा इसमें से। और आपको बीच बीच में इसे चलाना भी है, आप ऐसे छोड़ मत दीजिएगा इसे, अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो घी हमारा नीचे जल जाएगा, इसलिए बीच बीच में हमको इसे ऐसे चलाना भी है। बहुत ही ईजी होता है फ्रेंड्स, घर पर घी बनाना बहुत आसान होता है, इतनी सिंपल सी रेसिपी होती है, और आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। आपने देखा होगा 2-3 मिनट के अंदर मेरा मक्खन बन गया, बहुत ही कम समय लगता है बनाने में और बहुत आसान होता है। तो आप इस तरीके से ही ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है ये रेसिपी। ये देखिए, दूध हमारा गर्म हो गया, अब हम गैस को बंद कर देंगे, और ये देखिए हमारा घी भी बन गया है। ये देखिए, आप
देख पा रहे होंगे घी बन गया है। बस थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें और पूरी तरह से हमारा घी बन जाएगा। बहुत कम समय लगा है, सिर्फ 5 मिनट हुए मुझे और ये देखिए घी इतना बन गया है। दूध हमने गैस से नीचे उतार लिया है, अब हम दूध को फाड़ेंगे। फाड़ने के लिए मैंने ये नींबू का जूस लिया हुआ है, ये 2 नींबू का जूस है और इसमें मैंने पानी मिला लिया है थोड़ा। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूध को फाड़ना है। अब हम इसे दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और घुमाएंगे इस तरीके से, और इससे हमारा दूध फट जाएगा बहुत जल्दी इस तरीके से। घी भी हमारा बन गया है, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे छान के एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए पनीर हमारा पूरी तरह से फट चुका है, अब हम इसको छान लेंगे। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे सारा। सारा पनीर हमने छान लिया है, अब कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के इस तरीके से घुमा देंगे हम, और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पनीर को रख दिया है अच्छे से दबा के। ये हमने पनीर को रख दिया, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा, और हमने इसके ऊपर ये रखा है और पानी भर के बर्तन रख दिया है। तो अब इसमें काफ़ी वेट हो गया है, अब हमारा पनीर 2 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। हम 2 घंटे के बाद पनीर को देख सकते हैं। और जिससे हमने पनीर बनाया है उसका जो पानी बचा हुआ है इसे भी हम नहीं फेंकेंगे फ्रेंड्स। ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी वाटर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं इसके अंदर। तो इसे हम आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में इस पानी को डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसे बिल्कुल नहीं फेंकिएगा। घी अब हमारा ठंडा हो गया है, अब हम घी को निकाल लेंगे, इस तरह से छन्नी से छान के निकाल लेंगे। ये देखो हमने सारा घी निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा घी रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, और कितना सारा घी निकला है सिर्फ 7 से 8 दिन की मलाई में, इतना सारा घी निकला है। अब ये घी पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ये घी दानेदार हो जाएगा। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम पनीर को निकाल लेंगे। इस तरीके से करेंगे पहले, जिससे पनीर आराम से छूट जाए कपड़े में से, फिर हम निकाल लेंगे इसे। ये देखिए मैंने पनीर को निकाल लिया है और इसको पीसेस में कट कर लिया है। देखिए बना है ना बिल्कुल हमारा बाजार जैसा पनीर। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम मार्केट जैसा बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।